नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार दास, कुटिया डिजाइनर, फाउंडर ऑफ क्रिएटिव डिजाइन इंडिया। आज मैं सिखाने आया हूँ डीआईपी बॉयज स्पोर्ट शूज कैसे बनता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यू डिजाइन। ऑलरेडी मैंने मीन फॉर्म कैसे बनता है वो दिखा दिया, लास्ट कैसा है, मीन फॉर्म कैसा है डीआईपी का, लास्ट भी लास्ट टाइम वीडियो में भी दिखाया, उससे पहले भी वीडियो में डीआईपी का लास्ट के बारे में सबको बता चुका हूँ, आप लोग देखा ही होगा मेरा वीडियो में, और मीन फॉर्म भी कैसे बनता है सब कुछ दिखा दिया। अभी ये बॉयज़ का एक स्पोर्ट्स का मीन फॉर्म है, ये साइज 2 नंबर है, जो बॉयज़ साइज 2 नंबर साइज है। मैं अब एक ड्राइंग करने जा रहा हूँ जो बॉयज़ स्पोर्ट्स शूज़ कैसे ड्राइंग होता है, प्रोसेस सेम ही है, चाहे बॉयज़ बनाइए, चाहे गर्ल्स बनाइए, चाहे जेंट्स बनाइए, सारी प्रोसेस आपको एक ही मिलेगा देखने को, बस आप लोग देखते रहिएगा। और जो स्टूडेंट है और जो भी फ्रेशर है, जो देख के सीखने के इंटरेस्टेड है, उनके लिए बार बार वो प्रैक्टिस करते रहे, मेरा साथ देखते हुए प्रैक्टिस करते रहे, तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और मैंने मीन फॉर्म ड्राइंग कर लिया, प्रोसेस वही है, कंसेप्ट बॉल पॉइंट और हिल को अटैच करके एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, और बैक साइड जो लास्ट पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल से मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर लिया, और जो आगे पॉइंट है 2 पॉइंट, जो टॉप पॉइंट, जो भैम पॉइंट, जो 5-6 एम एम जो टॉप रख के ऑलरेडी 5 एम एम अराउंड करके मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये मीन फॉर्म से जो ड्राइंग करने का प्रोसेस है डीआईपी स्पोर्ट्स शू है, जिसके अंदर फ्रंट का मार्जिन अकॉर्डिंग टू कोई अराउंड मैक्सिमम 8 एम एम का मार्जिन चाहिए होगा फ्रंट में, क्योंकि ये बेस जो भी डिज़ाइनर सीखते हैं उसको मार्जिन के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है, एक्चुअल कैसे इसको एक्स्ट्रा मार्जिन देना होता मेन फॉर्म के बाद, ये बहुत ही कॉम डिज़ाइनर को पता होता, वो वन टाइम में डिज़ाइनर फाइनल नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें इसका जो बनाने का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आप लोग देख रहे हैं मैं ट्रू ड्राइंग कर रहा हूँ, बेस मेरा वीडियो को ध्यान से देखते रहना, मैं ट्रू को कैसे ड्राइंग कर रहा हूँ। आज ड्राइंग करने का प्रोसेस भी मैं धीरे धीरे थोड़ा आराम से बताते जाऊँगा। जो भी प्रेस सर्वर्स, जो भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट आप देख रहे हो, अब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है डीआईपी स्पोर्ट्स कैसे बनता है, स्पोर्ट्स शूज कैसे बनता है, और क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट में कहीं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं सिखाते, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसी शूज बिकता है, क्योंकि स्ट्रैटन का शूज जो भी इंडिया पे बनता है वो नॉर्मली जेंट्स का बनता है और लेडीज़ का थोड़ा बहुत बनता है, जो आ रहा हमारे इंडिया पे मैक्सिमम जो कस्टमर होता, जो रहने वाला लोग होता, विलेजर्स होता, 70% पीपल मोर देन जो विलेजर्स होता, उन लोगों को नॉर्मली थोड़ा सस्ता अकॉर्डिंग टू अर्निंग, वो स्टकन का जूता शूज अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए उनको थोड़ा मार्केट का रेंज, बिलो रेंज का जूता, शूज, चप्पल, सैंडल सब चाहिए होता। और डीआईपी ह्यूज प्रोडक्शन है और इजी वेयर है, इसलिए डीआईपी सबसे ज़्यादा हमारे इंडस्ट्री में बिकता है। बेस कैसे ड्राइंग किया हम लोग देखते हैं, मैं बेस कैसे ड्राइंग करते जा रहा हूँ।
मीन फॉर्म के साथ आप ध्यान रखेंगे तो मैंने एक एक पॉइंट बैक कहाँ से स्टार्ट किया, ये बैक मैंने लगभग राउंड है नीचे का एज मैच करा दिया और थोड़ा मीन फॉर्म से आप देखेंगे मेरा पेंसिल देख रहा है उसको दो तीन एम एम अराउंड बाहर है, क्योंकि यहाँ किस लिए बाहर है ये भी बता देता हूँ। यहाँ फॉर्म का मार्जिन होता है बैक साइड में और जब अपर दिखाएंगे उस टाइम बता दूंगा मैं। मैंने जो भी मार्जिन यूज़ कर रहा हूँ, जो भी ड्राइंग कैसे कर रहा हूँ, हाइट कैसे लेता, ऐसा इसका कोई मेजरमेंट नहीं, आपको लूप देख के ड्राइंग करना है। वो आप अगर इंस्टीट्यूट में डिजाइन किसी भी इंस्टीट्यूट में बताएगा वो मेज़रमेंट काफ़ी सारे बता देगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस, बट बाद में आपको कोई मेज़रमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू बॉयज़ का कितना हाइट चाहिए, कम्फर्टेबल लूप होना चाहिए, पहनने के लिए कम्फर्टेबल होना चाहिए। बेस तो मैं ड्राइंग कर दिया, अब मैं जो डिज़ाइन कोई नया एक कंसेप्ट डिज़ाइन बना के दिखाने जा रहा हूँ, बिल्कुल न्यू, यही मार्केट आने वाले टाइम में इसी टाइप का शूज़ ही मार्केट का ट्रेंड बनेगा। ऐसे कोई आपको दिखाएगा नहीं मार्केट ट्रेंड कैसे आने वाला है और इतना कॉन्फिडेंसली कोई बता भी नहीं सकता आपको, क्योंकि मैं डायरेक्टली मार्केट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हम लगभग डेली ह्यूज डिज़ाइन नया कंसेप्ट बनाते हैं। बेसिकली हमारा क्रिएटिव डिज़ाइन इंडिया जो भी बना देता है सीजन के अकॉर्डिंग वही मार्केट में ट्रेंड बन जाते हैं, इसलिए हम बोल पाते जितना कॉन्फिडेंट भी ये आने वाले टाइम में क्या बिकेगा। कैसे ड्राइंग कर रहा हूँ बहुत ध्यान से देखते रहना आप लोग। बिल्कुल नया कंसेप्ट है, मैं आइडिया से ड्राइंग कर रहा हूँ, आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कुछ कैसे डिज़ाइन बनता है। आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। साइड एक कंपोनेंट यूज़ किया मैंने और इसके ऊपर से एक मैंने जस्ट पॉइंट अराउंड 4 mm एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ आपको सबको देखने को पता चलेगा, क्योंकि ड्राइंग के साथ आप पर भी देख पाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जो साथ साथ मैंने कैसे बना के दिखाता हूँ पूरा कंसेप्ट को, और आप समझ भी जल्दी पाएंगे क्योंकि साथ साथ मैं अपर भी दिखा रहा हूँ। ऐसे कोई आज तक किसी ने आपको ऐसे वीडियो तो दिखाए नहीं अभी तक, जो एक ड्राइंग के साथ साथ आपको अपर देखने को मिल रहा है और शूज़ देखने को मिल रहा है एक ही वीडियो के अंदर, इतना सारे कुछ आपको। मेरा हर वीडियो आप लोग देखते रहना और जितना देखेंगे आपको और अच्छा लगेगा। आज तक तो मेरे ख्याल से ऐसे वीडियो आज तक किसी ने बनाए नहीं, चाहे कहीं भी कोई भी डिज़ाइनर, सब अपने लिए काम करते हो, सोचते हैं मेरा डिज़ाइन कॉपी हो जाएगा, मैं बना के दूसरों को दिखाऊंगा तो पहले मार्केट में आ जाएगा तो हमारा वैल्यू कम हो जाएगा। पर मैं सोचता हूँ जो सारे सीखे मेरा कंसेप्ट के ऊपर, और मैंने देखिए ड्राइंग आपके साथ बात करते करते लगभग मेरा ड्राइंग कम्प्लीट हो गया और थोड़ा बहुत वर्किंग है अभी कम्प्लीट कर रहा हूँ। हर लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपको अभी सब पता चल जाएगा, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरा डिज़ाइन में बन रहा है, तो ड्राइंग में तो बन जाएगा और इसी को हम
कंप्लीट प्रोडक्ट बना के आपकी आपको दिखाते हैं। ये साइज 2 नंबर का बेस है और आप देखिए मेरा ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो गया। आपके साथ बात करते करते देखिए मैंने ड्राइंग कंप्लीट भी कर दिया, इसलिए किसी भी स्टूडेंट है फ्रेशर है उसको बार बार मैं एक ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हम लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहना, ये सारे प्रैक्टिस का ही कमाल है, कोई ऊपर से सीख के आता नहीं है, प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बेस मेरा ड्राइंग रेडी है ये कंप्लीट, मैंने इसको बेस को सेपरेट कर लेता हूँ जस्ट। कि नाइफ भी आप कटिंग जरूर प्रैक्टिस करना, जो भी स्टूडेंट आप देख रहे हो कटिंग नाइफ का कैसे कटिंग करते हैं प्रैक्टिस करते रहना। अब देखिए मेरा कटिंग करने का तरीका, मैं एकदम आसान से स्मूथली लाइन के ऊपर कटिंग कर रहा हूँ। मेरा बेस कंप्लीट हो गया, बेस ऑलरेडी कटिंग कर लिया मैंने, करने के बाद ही मैंने पैटर्न भी कटिंग कंप्लीट कर दिया। अब देख रहे हैं सारे कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट अलग अलग दिखेगा और स्किन फिट है, और जो जो काटा उसको मैंने अभी रख के दिखा देता हूँ। ये बेसिक के लिए सिंगल मैस का बेस है, अब देखिए कटिंग इसका जो पैटर्न कैसे काटा हुआ वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो भी डिज़ाइनर बा कोई भी स्टूडेंट फ्रेशर भी देख रहे हो उसके लिए बहुत ही इजी है, मैंने साथ साथ दिखा दूँ क्योंकि आप लोगों को नॉलेज में रहेगा कि पैटर्न कैसे काटा है सारे अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। अब ड्राइंग को ध्यान रखिए, मैं सामने रखा हो मैं पैटर्न कैसे यूज़ कर रहा हूँ। ये काउंटर है, साइड बेस है, काउंटर है, जैसे ड्राइंग है ऐसे ही दिखेगा आपको। ये दो है, दो के नीचे सपोर्टिंग विंडो है, अब देखिए सारे दो है। ये ड्राइंग आप ध्यान देंगे तो दोनों चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। ये इसका पॉइंट है कंपोनेंट, इसी के ये यहाँ वाला कंपोनेंट फोल्ड होके इसी के ऐसे होता इसके नीचे जाता। अभी आपको ये देखिए कंपोनेंट है, कंसेप्ट आपको समझ में आया, जो क्लियर जो बेस है ड्राइंग है ये मेरा कंपोनेंट कटिंग कंप्लीट है और ये लाइनिंग है बेसिकली। इसके बाद मैं चलते हैं अपर में, अब मेरा टीम अभी आपको अपर बना के दिखाते हैं। आपको बेस ड्राइंग करके दिखाया मैंने और पैटर्न भी कंपोनेंट भी सेपरेटली एक एक करके ट्रोली दिखाया मैंने आपको कैसे कंपोनेंट मैंने काटा, क्योंकि काटिंग कैसे काटता है वो तो पहले ही आपको वीडियो में मेरा पुराना वीडियो देखते रहिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कंपोनेंट कैसे मैंने काटता हूँ कटिंग करता हूँ। और उससे देखिए अपर से कितना सुंदर एक बॉयज स्पोर्ट्स शू का अपर, देखिए बहुत ही सुंदर एक अपर बन गया। और अब जो भी यंग जनरेशन बॉयज है इसका कलर कुछ भी बन सकता है, ये तो फर्स्ट एक ब्लैक कलर मैंने बना के दिखाया, इसमें कलर जो भी मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब प्रोडक्शन करेगा तब हम और भी कलर कॉम्बिनेशन बना के दिखाएंगे। और देखिए बेस के साथ आप चेक करेंगे तो एज ड्राइंग एंड अपर कंप्लीटली मैच करेगा और बहुत ही सुंदर है। देखिए अभी जो मैंने अपर बनाया था उसका कंप्लीट शूज बन गया, ये देखिए बहुत ही सुंदर एक स्पोर्ट्स शूज है, वो बॉयज VIP स्पोर्ट्स शूज है, ये बिल्कुल यूनिक है, बहुत सुंदर है और इस टाइप का ट्रेंड ही आने वाले टाइम में बिकने वाला है हमारे इंडिया पे। जो भी स्टूडेंट और जो भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी कोई देख रहे हैं
उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं दिखाते रहूँगा, आप लोग देखते रहना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और बेल बटन दबाते भी रहना। नमस्कार।